नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश भगवती को अलग आदेश रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश आप सभी को आदेश आदेश आज एक साधना देने जा रहा हूं जो एक यक्षिणी की साधना है और थोड़ा मेरे स्वभाव के विपरीत यह साधना है क्यों क्योंकि यह साधना अल्प लाभ के लिए की जाती है यह क्यों दे रहा हूं क्योंकि बहुत सारे हमारे साधक भाई हैं बहुत सारे हमारे चैनल के फॉलोअर्स हैं जिनके लाइफ में एक आइस ब्रेकर का ज़रूरत है आइस ब्रेकर का जरूरत मतलब वो कुछ भी कर रहे हैं तो उनके जीवन में धनार्जन नहीं हो रहा है धन का सारा मार्ग रुका हुआ है तो ये एक यक्षिणी की साधना है जो आप लोग जीवन में एक या दो बार करें उससे ज़्यादा ना करें और जब लगे कि बिल्कुल ही बुरा सिचुएशन है देवताओं की कृपा से काम नहीं बन रहा है तो इस यक्षिणी की साधना करनी चाहिए ठीक है जो मैंने एक श्रृंखला बताई थी यक्षिणी की साधना की उसमें सुंदरी यक्षिणी की साधना मैंने आप लोगों को बताई थी लेकिन एक यक्षिणी की कई एक साधनाएं होती हैं और वैसे ही सुंदरी यक्षिणी की एक साधना है जिसमें आपको अकस्मात धन की प्राप्ति होती है अकस्मात धन की प्राप्ति का मतलब कि आपने जिस माध्यम से सोचा नहीं है या फिर आ, ऐसा माध्यम जिसमें कि आपका आय वो तय नहीं होता है उस माध्यम से आपको बहुत सारा धन आएगा या फिर बिल्कुल ही नए माध्यम से आपको धनार्जन हो जाएगा ठीक है तो इस साधना को कैसे करना है ये साधना आप बृहस्पतिवार को करें तो बहुत उत्तम रहता है ठीक है तो बृहस्पतिवार को पीला वस्त्र पीला आसन और पीली माला लेकर के आप बैठेंगे ठीक है और एक बैठकी में इसका ग्यारह हजार जाप करना है ठीक है एक बार जब जाप आप संपूर्ण कर लेंगे उसके बाद आपको दशांश हवन करना है दा दशांश हवन किस चीज़ से करेंगे हल्दी से करेंगे मधु से करेंगे और इन दोनों सामग्री को हम जो हवन सामग्री आती है जिसमें बहुत तरह के जड़ और बहुत तरह के मसाले मिले रहते हैं उसमें मिला करके फिर इससे हम लोग हवन करेंगे ठीक है क्या लाभ होगा इस हवन को करने से स्थिरता जो आपके जीवन में है वो चली जाएगी ये तय बात है ठीक है लेकिन इस मंत्र का प्रयोग आप लोग बार बार नहीं करेंगे बहुत लोग हैं जो कि स्टॉक मार्केट में खेल रहे हैं और स्टॉक मार्केट में लाभ ही नहीं हो रहा है बहुत लोग ऐसे हैं जो कि प्रयत्न करते जा रहे हैं काम करते जा रहे हैं उनको लाभ नहीं मिल रहा अब कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि सोचेगा कि मैं काम ही ना करूं और मुझे लाभ हो जाए तो ऐसा नहीं होगा मंत्र सुनिए मंत्र है आकाश चारिणी यक्षिणी सुंदरी आओ धन लाओ मेरी झोलो भर जाओ वर्षा करो धन की जैसे बादल वरसे जल की कुबेर की रानी यक्षिणी महारानी कसम तेरे पीत की लाज रख जन की सच्चे गुरु का चेला बाटू प्रसाद मेवा करू तेरी जय सेवा जय यक्षिणी देवा ठीक है इस मंत्र का ग्यारह हजार जाप करेंगे इसका जाप जब भी आप करेंगे तो प्रातः में शुरू करेंगे प्रातः में शुरू करेंगे तो इसका हवन का समय जब तक आएगा तब तक रात्रि हो चुकी होगी तो बृहस्पति के दिन वार के दिन सुबह में शुरू करेंगे और इसको रात्रि तक करेंगे रात्रि जैसे होगी उसके बाद इसका हवन कर देंगे कोशिश करना है कि एक ही दिन में ग्यारह जाप पूरा हो अगर ग्यारह जाप पूरा नहीं होता है तो फिर अगले बृहस्पतिवार को आपको पुनः ग्यारह जाप करना होगा एक विषय और है किसी भी मंत्र यंत्र या तंत्र का जब आप प्रयोग करते हैं तो उसको सार्थक होने में पैंतालीस दिन लगता है ठीक है आपने तंत्र किया तो तीन घंटे बाद असर शुरू होता है पैंतालीस दिनों तक तक में उसका पूर्ण असर दिखता है अगर किसी पे किसी बाधा के चलते धनार्जन में दिक्कत आ रही होगी तो उसको जस्ट डबल लगेगा मतलब तीन महीने लगेंगे ऐसे स्थिति में आप लोगों को इस साधना को रिपीट करना चाहिए ठीक है इस साधना को रिपीट करते रहिएगा तो इसका जो पूर्ण लाभ है वो आप लोगों को मिल जाएगा जब एक विषय बताया जाता है जब एक संख्या बताई जाती है तो वो मान के बताया जाता है कि एक सिद्ध साधक इसको इसकी साधना करेगा लेकिन एक आम व्यक्ति जब इसकी साधना करता है तो हो सकता है उसको एक से ज़्यादा बार इस साधना को करना पड़े ठीक है तो ये है सुंदरी एक की साधना इसमें आ, बोलने की बात नहीं है कि आप शुरुआत में गणपति का आह्वान करेंगे फिर अपने गुरु की पूजा करेंगे ठीक है आ, जब जाप हो जाएगा तो फिर गुहिया गुहैया गृणम गृणमृतम कृतम जापन सिद्धेव तुम देवी में ऐसा मंत्र से आप जाप को दे देंगे ठीक है और जाप शुरू करने से पहले संकल्प ले लेंगे हाथ में जल लेके कि अमुक कार्य हेतु मैं ये जाप कर रहा हूँ मतलब इस धन अर्जन के लिए या इस क्षेत्र में सफलता के लिए इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ सफलता नहीं मिल रहा सफलता और धन प्राप्ति के लिए मैं ये जाप कर रहा हूँ ऐसा आप लोग संकल्प कर लेना ठीक है पंच पूजा जैसे इसमें कोई विधान नहीं होगी तो इतना करने से अगर आपके जीवन में धन का मार्ग रुका हुआ है तो वो शुरू हो जाएगा आज के लिए इतना ही बहुत अल्प समय में एक बहुत ही अच्छा ज्ञान आप लोगों को दिया आप लोग प्रयत्न करो अगर आप लोगों को जरूरत है तो जिनको बेसिक साधना सीखनी है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसका नंबर है नाइन फोर थ्री वन वन एट एट फाइव एट फाइव इसमें गुरु मंत्र मिलने से पहले का कालपुर में जो भी विधान है वो हम सब आपको तो सिखाते हैं डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेने के लिए डब्ल्यू 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 डॉट अगो तंत्र से डॉट इन वेज पर चली जाइए फ़ोन पर बात करना है तो वाल्मी पर ऐप डाउनलोड कीजिए उसमें जूत्रना एट सी एम फोर आप सर्च करें आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा उस पर आप मुझसे बात कर सकते हैं आप लोगों के जीवन में की वर्षा हो ऐसी मेरी कामना है आप सभी को आदेश आदेश आदेश।, आलक, आदेश।